नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विषय धमकावणारा एक बोलण्याची पद्धत असते, स्टाईल असते प्रत्येकाची बोलण्याची। असे विरार महानगरपालिका अधिकारियों को धमकी मामले पर विधायक हितेंद्र ठाकुर ने विरोधियों को दिया बेबाक जवाब। 15 अगस्त को वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद लगाए गए जनता दरबार में वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर ने जिस अंदाज में मनपा आयुक्त समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों की क्लास लगाई थी, जिसमें विधायक हितेंद्र ठाकुर ने आयुक्त को ऑफिस में आकर फटकाने तक की बात कह दी थी, उसके बाद वसई विरार में अलग तरह की राजनीति देखी गई। वसई विरार मनपा आयुक्त ने भरी सभा में विधायक हितेंद्र ठाकुर द्वारा फटकार सुनने के बाद भी लगातार चुप्पी साधे रखी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर विधायक हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके खिलाफ मामला तक दर्ज किए जाने की शिकायत प्रशासन से की। वहीं यह मामला मीडिया में भी बड़ी चर्चा का विषय बना रहा और मीडियाकर्मी लगातार इस मामले पर अलग अलग खबरें रिपोर्ट करते दिखाई दिए। अब एक बार फिर इस मामले पर वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर का आधिकारिक बयान बल्कि स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें विधायक हितेंद्र ठाकुर ने विरोधियों को बेबाक तरीके से जवाब देते हुए अपने कहे शब्दों को जनता की भलाई में उठाई गई बात को अपने अंदाज में कहे जाने की बात कही है। साथ ही साथ विधायक हितेंद्र ठाकुर ने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यहां लोग लव जिहाद जैसे फालतू विषय पर बोलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधाओं के सवाल पर चुप रहते हैं। रही बात आयुक्त को धमकाने की, तो उस दिन आयुक्त को कही गई बात कोई धमकी नहीं थी, बल्कि हर एक का बात करने का अपना अलग अंदाज होता है। इसके अलावा भी विधायक हितेंद्र ठाकुर ने कई बातें अपने चिर परिचित अंदाज में हाल ही में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहा विधायक हितेंद्र ठाकुर ने। वीडियो वायरल हो रहा है धमकाने का, क्या कहेंगे? आपने वो वीडियो पूरा देखा है क्या? मीटिंग में शुरू से, क्योंकि कॉरपोरेशन में 26 जनवरी 15 अगस्त 1 मई ऐसे जब भी अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, फहराया जाता है, उसके बाद आम लोगों से ओपन हाउस उनसे डिस्कस करना, उनके प्रॉब्लम जो सामने आते नहीं, ऐसे छोटे मोटे सीनियर सिटीजन रहते हैं या यंगस्टर रहते हैं तो चलते हैं। उसमें जिस हिसाब से जवाब दिए जाते थे वो देखते हुए रिएक्शन रहती है। यहाँ पे 30 साल से आप राज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सुविधा हुई नहीं, ऐसा विरोधकों का आरोप। क्या सुविधा मतलब क्या? आज एक ध्यान में लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जो आबादी बढ़ती है, वो वसई तालुका की है। मतलब लास्ट सेंसस जब हुआ तो 235% सुपारा का ग्रोथ रेट था। ये लोग बाहर से आते, मैं आया जब एमएलए बना उस वक्त 6 MLD पानी आता था, आज लगभग 300 MLD है और 185 MLD पानी आने वाला है। तो ये पानी ऐसे ही, लेकिन हाँ उसके साथ आबादी बढ़ी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं। जब तक हमारी बॉडी थी तब लोग इतने चिल्ला नहीं थे, हमारी बॉडी नहीं है, लोग चिल्लाने लगे हैं। लोगों को चलने के लिए जगह नहीं, रास्ते खराब है। वही है ना, देखो ये जो फेरी वाले है या जो भी है, इनके पेट का सवाल है, पेट भरना मांगता है। और ये कोरोना कार्यकाल में तो बहुत बुरी हाल हुई थी, तो उनके पास उनके पेट की ओर देखते हुए सिंपत्ति रहनी चाहिए। लेकिन चलने को फुटपाथ नहीं, कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस जानी है, किसी को दवाई लेने जाना है, जाना है कहीं पे भी जाना है तो भी फुटपाथ जा। इसी पे तो मैंने वही कहा कि आप देखो क्या हुआ मीटिंग में, और इसी सभी सवाल पे हर दूसरे डिपार्टमेंट में ढकेलना, रास्ता है तो वो PWD का है, MMRDA का है, हाईवे अथॉरिटी का है, जिला परिषद का है, या ये है तो ये पुलिस कार्यवाही करेंगी, वो मेरा नहीं, इस तरह के जवाब। मतलब लगभग 1 घंटा ऐसे गलत जवाब, जो भी ऑफिसर, पहले 4 ऑफिसर में काम चलता था, आज 40 भर के रखे है, क्यों भर के रखे है मालूम नहीं मुझे, वो क्यों आ रहे है, क्या प्यार रहे। मेरा आरोप क्लियर था ना उस वक्त, विरोधियों ने कहा है कि आपके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। मेरे पे प्यार है उनका, उस पर मैं क्या बोलूं, उनकी औकात वही है।
विरोधों के क्या औकात क्या है, मेरे खिलाफ एक साथ नहीं हुए चिल्लाने को, 25 लोग जमा होते हैं, ज्यादा में ज्यादा कितने करे जब अधिकाऱ्यांना धमकवल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय, काय सांगाल? विरोधक एकवटले तुमच्या विरोधात, चांगलंय. तो व्हिडिओ संपूर्ण कोणी बघितलेला असेल त्यांनी मला प्रश्न विचारले तर जास्त बरं पडेल. त्याच्यामुळे कोणत्या तरी एखाद्या क्लिपवर कुणीतरी उडवाडवीची उत्तरं, जे विरोधक एकवटल्या तसं म्हणतात, माहित नाही मला कोण एकवटल्या, तर तिकडे साधारणतः 15 ऑगस्ट नंतर एक ओपन हाऊस, सगळ्या लोकांनी प्रश्न विचारायचं. अधिकारी आता, पूर्वी पदाधिकारी उत्तर देत होते, महापौर नगराध्यक्ष आणि चहापानाचा कार्यक्रम असतो, त्या लोकांशी सुसंवाद प्रत्येक झेंडावंदन 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी 1 मे झेंडावंदनानंतर चर्चा, लोकांचे काही प्रश्न काही नजर चुकी हे मांडत असताना ज्या पद्धतीने उडवा उडवी, आणखीन काही हे सो कॉल्ड विरोधक वगैरे बोलतात ते लव जिहाद सारखे फालतू प्रश्न तिकडे उपस्थित करत असताना, लोकांच्या प्रश्नाबद्दल आपण किती गांभीर आहोत. एक दुर्दैवाने एक नंबर आमचा लागतो का, साधारणतः 3.5-3.5 वर्षापूर्वी पहिली महानगरपालिका कोविड काळामध्ये 20 मार्च-एप्रिल-मे मध्ये प्रशासक बसले ते आस्था गळ्यात. नगरसेवक असल्यावर लोकांना प्रश्न, पूर्वी जे पाणी यायचं आता 7-7 दिवसांनी पाणी, एमएससीबीच्या मीटिंग आम्ही लावायच्या, मग आणखीन कोण एमएमआरडी त्या मीटिंग लावायच्या, त्या अधिकाऱ्यांना बोलवायचं, ह्यांचा फॉलोअप नावाचं काय नाही, लोकांना भेटत नाही, रस्ते ढकलाढकली, हा पीडब्ल्यूडीचा आहे, हा हायवे ऑथॉरिटी आहे, हा जिल्हा परिषद. या पद्धतीने कोणत्याही मूलभूत प्रश्न, मग पालघर जिल्ह्याचे प्रलंबित प्रश्न अजितदादांकडे होते, हे अतिवृष्टीमुळे झालेलं नुकसान भरपाई लोकांना मिळावं, दुकानदारांना मिळावं वगैरे वगैरे, त्याच्याकरता आम्ही मीटिंग लावायच्या, ते पैसे मिळवून द्यायचे जिल्ह्याला, वेगवेगळ्या ह्याच्यातून आम्ही सुशोभीकरणाकरता असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर करता असेल, स्पेशल निधी मिळवून द्यायचा. पुढे त्या निधीची कामं कशा प्रकारे, ह्याची उत्तरं कोणी द्यायची, म्हणजे आम्ही फक्त यांना निधी आणून द्यायचा आणि काम करायचं. MMRD 185 MLD अगदी आत पाणी चालू व्हायला पाहिजे या कंडिशनला होतं, मागे झालं ते साफसफाई काय कशामुळे मुहूर्त करा, आता सगळे मुहूर्त मिळतील. साधारणतः धमकावणं किंवा हा विषय धमकावणं एक बोलण्याची पद्धत असते, स्टाईल असते प्रत्येकाची बोलण्याची. आणि माझ्याकडे आज शेकड्यांनी तहसीलदार असतील, ऍडिशनल म्हणजे प्रांत असतील, ऍडिशनल कलेक्टर असतील, कलेक्टर असतील, आमचे जिल्हा परिषद सीईओ असतील, नगरपालिकेचे सीईओ असतील, 4-4 नगरपालिका भले भले अधिकारी येऊन गेले, का आम्हाला काय वेळ लागलाय का, चांगलं वागा, लोकांबरोबर काम करा. रिपीटेड अधिकारी आमच्या इकडे येतात, म्हणजे बदली होऊन गेलेले परत इकडे येतात, ते काय येतात, काहीतरी आमचा अनुभव चांगला असेल ना, त्याच्यामुळे येतात. त्यामुळे सगळ्यांनी तिकडूनचा एपिसोड पूर्ण बघा, नंतर काय ब्लेम करायचंय तो करा, त्याला उत्तर द्यायला मी आहे आणि मी बेधडक आहे. अभिकडे इतना ही. वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद. अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.